आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Which theory of evolution does Lederberg's replica plating experiment या फिर planting experiment supports? तो यहाँ पे पूछा गया है कि लेडरबर्ग के साथ कौन सा ऐसा evolution का theory है जो कि match करता है। तो लेडरबर्ग ने 1952 में एक experiment किया था जिसको replica plating या फिर planting कहा जाता है, और उसमें उन्होंने bacterial colony को grow किया था। किसके प्लेट में? तो न्यूट्रिएंट रिच मीडियम जो कि अगार प्लेट था, और उसमें जब ग्रो कराने के बाद बैक्टीरियाज बड़े होने लगी या फिर ग्रोथ हो गया, तो उन्होंने उसमें पेनिसिलिन जो है वो ऐड किया। और फिर पेनिसिलिन ऐड करने के बाद देखा गया कि कुछ बैक्टीरियाज जो है वो डाई आउट हो गए, या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम बैक्टीरियाज जो है वो डाई आउट हो गए, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज जो थे वो क्या गए, वो रेजिस्टेंस बना लिए। किसका रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक हार्श एंटीबायोटिक था, लेकिन फिर भी उससे बच के कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि अपना रेजिस्टेंस बना लिए। और ये जो पूरा थ्योरी था लेडरबर्ग का, ये पूरी तरीके से मैच किया था नियो डार्विनिज्म से। नियो डार्विनिज्म में कहा गया था कि ये एक ऐसा थ्योरी था जो कि लमार्क ने गिव किया था, और अकॉर्डिंग टू लमार्क साइंटिस्ट उन्होंने कहा था कि जो एक्वर्ड कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, वो पास ऑन होते हैं। कहाँ पे? तो वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और अगर हम इन दोनों को रिलेट करें तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस बनाया है बैक्टीरिया ने अपने अंदर, वो एक्वर्ड कैरेक्टर ही है, क्योंकि बाकी सारे बैक्टीरिया ये चीज नहीं बना पाए, लेकिन क्विकली कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि रेजिस्टेंस बन गए। जैसे कि ये प्रूफ होता है कि एक्वर्ड कैरेक्टर यानी जो कि लाइफ टाइम वाले कैरेक्टर्स हैं वो भी क्या होते हैं, वो बच जाते हैं और वही फिर पास होता है अपने ऑफस्प्रिंग में। यानी जो नेक्स्ट जनरेशन वाले बैक्टीरियाज थे रेजिस्टेंस वाले, वो फिर से अपने आप को बचा सकते हैं। और यही चीज शो किया था इन दोनों चीज में, या फिर इन दोनों रिसर्च में। तो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर, जो कि सपोर्ट करता है नियो डार्विनिज्म को। क्लासिक्स से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।